आई एम ए पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रेडी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी प्रेस करना बाकी है। सावन एवरीवन, सावन के टाइम पे मेरा बर्थडे आता है, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इस महीने सब तैयारियों में लग जाते हैं महादेव को खुश करने की, और मुझे फील होता है कि सब लोग मेरे बर्थडे की ही तैयारियां कर रहे हैं। मुझे तो मेरी मम्मा स्टोरी भी सुनाती थी कि सावन का टाइम था, मॉर्निंग में बहुत तेज बारिश हो रही थी और 4 बजे आप हमारी गोदी में आए थे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी मम्मी भी आपकी बर्थ की स्टोरी सुनाती है आपको, एंड कॉलिंग में बात चल रही थी, बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। अभी कंटिन्यू करते हैं। अरे मम्मा केक काट ले। क्यों क्यों क्यों? मैं काटूंगा। मैं नहीं काट सकती, बताओ आप करना। मैं काटूंगा। अरे मुझे जल्दी बजा, मुझे पूछा मुझे फूंक मार। पास से मैं बता आपको। आजा आजा ले फूंक मार। वेरी गुड। तो इस बर्थडे के लिए मम्मी से ज्यादा तो विशु खुश है कि बस ये निकाल दूं। मैं काटती हूँ बस। विशु पहले आप ही खा लो। करो भाई क्लैपिंग करो, मैं तुम लोगों का बर्थडे का सेलिब्रेट करती हूँ चिल्ला चिल्ला के। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। थोड़ा सा बेटा उधर आना चाहिए। वीडियो में क्या खाया तुमने? इन्होंने बहुत बड़ा वाला मुंह भर के खाया पता है। अब थोड़ा सा पकड़। खाएगा? खाए में लाऊं? कैसे लाऊं? कटोरी में? कितना बड़ा? इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। कितना बड़ा हाथ से बता दो। इतना बड़ा। इतना बड़ा। छोटा। मामा इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनाऊंगी मैं। इतना बड़ा। गाइस इस बार के बर्थडे की किस्मत ना मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि सैटरडे है, और वैसे अश्विनी जी को कल ऑफिस जाना था। मैंने बोला था केक आप अपने टिफिन में पैक करके ले जाना क्योंकि मैं तो खाती रही हूँ, बट अश्विनी जी ने क्या बोला? अश्विनी जी इधर देखो, मेरी कल छुट्टी है। कल इनकी छुट्टी है तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पति की छुट्टी है। भाई इस बच्चे ने क्या दिमाग खराब करा ना, कहता है कैंडल मैं बुझाऊंगा, तुम केक नहीं काटोगे मैं काटूंगा, और आराम से केक बैठ के खा रहा है। केक कौन काटेगा? मैं अच्छा बच्चा, आप गंदा बच्चा। गंदा बच्चा मैं, अच्छा बच्चा गंदा बच्चा मामा, अच्छा काटूंगा, अच्छा काटूंगा। ये देखो मेरा होंठ कट गया, जब हैरी रो रहा था ना तो मेरा दांत एकदम से ना इसमें लग गया, ये देखो ब्लड भी आ गया। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि बर्थडे सड्डे होगा, पर अश्विनी जी की देन है, उनके उनके होते हुए कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में, अदरवाइज तो मेरी लाइफ ऐसी ही है। हाँ। वाओ, विशु
तो ये बच्चों ने पापा की मदद से ऊंची कर दी बस, खाली बाकी लगाई बच्चों ने ही है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। देखा मेरे बच्चे मेरे पे ही गए। हाँ और क्या, पड़ोसियों पे जाएंगे क्या? मैंने नाश्ते में ना पोहा बनाया है, आओ। हाँ मम्मी को देके खुद ही खाना है। मम्मा को तो तुमने दे दिया, मम्मी के अधिकार की चीज़ सारे पापा खाएंगे। अच्छा भैया विशु ने कहा कि मम्मा उस कमरे में चलो, मेरा बच्चा देखो कितना समझदार है मेरा बाबू। फ्रेंड्स आज है मेरा बर्थडे, तो आपकी मर्जी, आप मुझे ब्लेसिंग दे सकते हो। सो कल अश्विन जी ने ना वाकई में ही मतलब इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे पता भी नहीं चला। एक्चुअल में क्या है ना, मेरा मूड ऑफ हो गया था किसी वजह से, जिस वजह से ना मैं ध्यान नहीं दे पाई। और जब मेरा मूड ऑफ हो जाता है ना, मैं सोचती रहती हूँ उस चीज़ के बारे में यार, क्यों कैसे क्या बताऊँगी कभी ना। तो अभी मूड ऑफ नहीं करते हैं। बट अश्विन जी ने सरप्राइज़ बहुत मतलब बहुत अच्छा दिया। इस बार लगा कि हाँ यार मेरा बर्थडे है, मतलब हर बार लगता है पर इस बार ना अचानक से कुछ हुआ। अब अश्विन जी कह रहे 3 बार केक रखा मैंने फ्रिज में, तो अभी ना मैं फ्रेश हो गई हूँ। फ्रेश हो के अभी मॉर्निंग में पोहा वगैरह बना था, और बच्चे बोल रहे मम्मा बर्थडे सेलिब्रेट करो, बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो आपको पता है मेरा तो मन नहीं होता है अपना खुद का बर्थडे, मेरा होता ही नहीं अंदर से मन ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। और ये बर्थडे तो अचानक से आ गया, मुझे ये मंथ पता ही नहीं चला कि मेरा बर्थडे है। आप सोचो मैं बड़ी तैयारी कर लेती हूँ, जब मेरा बर्थडे आने वाला था मैं नेल पेंट भी नहीं लगाया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करी है, कोई ड्रेस भी नहीं है अलग सा। तो अभी बर्थडे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मम्मा कुछ, तो उनको खिला पिला के लाएंगे, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है उन्हीं के लिए। माँ जब आप बन जाते हो ना, अपने बच्चे के लिए जीते हो, तो उन्हीं के लिए मैं जाऊँगी। और नॉर्मली भी हम कहीं जाते हैं, आज तो स्पेशली बर्थडे है तो आज तो जाना बनता है। मेरे तो 3 दिन बच्चे हैं, एक ये रहा, दो वो रहे। मेरे भी 3 ही है, एक ये रहा, दो वो रहे। बस भाई कल तो, कल कैसे दिया सरप्राइज ये बताओ, कल तो मजा ही आ गया सच्ची में भाई, इतना मजा आया ना। तो मैंने पता था ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मम्मी कसम अपनी कसम मुझे नहीं पता चला बिल्कुल। वो तो इतनी सी भी बना के हुई क्योंकि बच्चे गए थे इनके साथ ना, और मुझे आपको पता है विशु बोल देते हैं, कितना भी रोकने की कोशिश करें बोल देते हैं। बट पता नहीं कल क्या पट्टी पढ़ाई विशु ने, कुछ भी नहीं बोला। तो अभी ना मेरा ना मैंगो खाने का मन कर रहा है, पूजा मैंने कर ली है, ठीक है तो चलो मैंगो खाते हैं। बर्थडे हो तो ऐसा देखो, मेरे पति को पता है इसे छिलके बिल्कुल पसंद नहीं है, रसीले आम पसंद है। आय हाय इन बच्चों की आंखें देखो क्या, छोटा छोटा वाला है। तुम ही खा लो, एक काम करो क्या पार्टी, पहले मम्मा बाइक मारेंगे बड़े से आम में। ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, ये भी ना वही थी अश्विन जी दिया। मम्मा तेरे को पांची फोन करना। ये डाला मैंने ड्रेस पर, ये थोड़ा सा प्रेस की इसमें जरूरत है, चलो प्रेस करते हैं। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तो आया, पैर भी जल रहा है यार। हुस्न तेरा तौबा तौबा, आई एम अ बॉडी गर्ल, बॉडी गर्ल रेडी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी प्रेस करना बाकी है। हो गया आपका, आजकल आजकल की बर्थडे गर्ल देखो ऐसे से तैयार होती हैं, कपड़े पहन के प्रेसिंग हो रही है यार। मैंने सोचा कुछ है नहीं तो ये इधर भी कर लो। बाबा बाबा बाबा, गरम गरम गरम। OMG ये कितना जल गया गाइस, इस आदमी ने कपड़े बदल लिए। गाइज ये ना पता क्या हुआ, सूटकेस में थी तो इसमें ना हल्का सा स्मेल आ रहा, जो कि अश्विन जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अश्विन जी ने अपनी पुरानी तरह नहीं मैचिंग करती हुई कुछ इस तरीके की डाल ली है। हैरी तैयार चले,
आपकी घरवाली माँ कुछ ऐसी लग रही है, और आपकी घरवाली माँ ने अभी कुछ भी नहीं किया है। एंड ये हेयर स्टाइल तो मेरा है ही ऐसा, मैंने लिपस्टिक लगाया है और थोड़ा सा आईब्रो को सेट किया है, दैट्स इट। ये है मेरा मेकअप और मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि मेरे से ना खाना वाना नहीं खाया जाता मेकअप में ज़्यादा। तो ये है मेरे दोनों बच्चे। हैरी हैरी, मम्मा के शूज कैसे लग रहे थे, कैसे बड़ा? सो गाइस, ये है मेरे शूज जो कैश में जिन्होंने मुझे हरिद्वार से दिलाए, बट मेरे ना डिसाइड किया है या तो हम डोमिनोज जाएंगे या हम जाएंगे क्या दूसरा क्या है पिज्जा जोन, ठीक है, जहाँ पे हम जाते हैं मेरे बर्थडे में। और मैकडी मुझे सबसे इजी लगता है, सबसे अच्छा लगता है, मेरे बच्चे वहाँ पे जाके खुश हो जाते हैं। आपको पता नहीं था क्या? हरी 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 कुछ बोल रहे हैं, क्या और भाई मेरे ना विशु का बहुत मन है मेरा बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने का। विशु क्या क्या करना चाहते हैं मेरे बर्थडे में? देखो मेरा विशु अभी, हाँ आ रही हूँ, विशु को केक कट करना है, पार्टी करनी है, इवन सारे लोग आएंगे, सब लोगों को बुलाया नहीं किसी को, नानी को, मतलब कि सबको इनवाइट कर रहा है। भाई मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना फिर देखना। मम्मा, हाँ? आपको पता, आपको तो पता ही होगा मार्केट में सब लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, आपको पता नहीं था? विशु ने मुझे बताया कि मम्मी स्टिक को लेके इस तरीके से वीडियो बनाया करो आप, तो चले और ये ऐसे करके मत बनाए करो। यार मैं हमेशा सॉक्स लाना भूल जाती हूँ। अब अश्विन जी कह रहे हैं ये वाले पहनो, ये देखो निकलवा दिया, ये रखा हुआ है। अब अश्विन जी पता नहीं क्या लेने गए हैं। मेरे बेटे की डेकोरेशन देख रहा है जो कि उसने दिन भर करी थी। एक हाउस वाइफ अगर घर पे सारा दिन फटा पुराना सूट पहन के साड़ी पहन के काम करती है तो वो इस टाइप की ड्रेस पहन के स्कूटी में नहीं बैठ सकती क्या? दिखाते हैं हम आपको कैसे बैठते हैं, ठीक है? कौन कौन समझाए लड़के लोगों को, इनको कुछ पता ही नहीं चलता है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी है उसको ऐसे पकड़ना है और चुपचाप से ऐसे बैठ जाना। बाबा नीचे भी दिखा दो, नीचे दिखाओ, ऐसे बैठते हैं। बाबा अरे उड़ गया फिर। अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, इन लोगों को भी पता चल गया होगा आज 20 जुलाई है, ये औरत 20 जुलाई में यहीं आती है अपने अपने बच्चों को लेके। है विशु, पिछली बार भी आप यहीं आए थे ना, पिछली बार भी हम यहीं आए थे, इससे पिछली बार भी शायद हम यहीं आए। अश्मिति गए हैं मेरे लिए ऑर्डर करने। पिज्जा खाना है, ये है मंचूरियन। देखो क्या क्या लेके आई हूँ, थोड़ा थोड़ा सब चीजें ले आई हूँ। कुछ भूल सकते, अपना फोन नहीं भूल सकते। आप तो एक बार कहते हो बाबू मेरे फोन का आईफोन का जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। मेरे बर्थडे की पार्टी कैसी लग रही है आपको? अच्छा। कैसे हाथ से करके बताओ कैसा लग रही है? अच्छा सुई। Thank you.
भैया ना प्लेट उठाने ले जा रहे थे और हैरी ने देखो अपनी कटोरी अपने आप सेव कर ली ताकि भैया उसकी कटोरी ना ले जाए। हैरी कैसी लग रही है आइसक्रीम आपको? नहीं आपकी नहीं ले जाएंगे, आप खा लो। इतनी गंदी वाली सौंफ लेके आया है। तो अभी हमारा जाने का टाइम, दोनों के दोनों उसके पीछे। हम घर वापस आ गए हैं। खाना कैसा था? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा गाइस, अभी हम घर पे आ चुके हैं और हैरी अपने पापा से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। हैरी की रिक्वेस्ट अश्विन जी ही पूरा करेंगे। सो मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है एंड थैंक यू सो मच ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई और कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट करना। नहीं वैसे सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से अगर ये चाहते हो कि हम दोनों झगड़े तो बहुत अच्छी बात है, हम झगड़ के भी बना सकते हैं। हाँ झगड़े वाली अगर वीडियो आपको चाहिए ना तो झगड़े वाली भी बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मतलब कहने का ये कि हमें बस सच्चाई बतानी है अपनी। एक अभी शूट करते पहले काम है, ऑफिस का काम है। दिखाओ बॉस ने कहाँ पे बोला है, दिखाओ मुझे। अब घड़ी में थोड़ी ना दिखा सकता मैं आपकी बॉस ने कहाँ बोला है। हंसने की जरूरत नहीं है, लड़ाई हो रही है यहाँ पे। हंस के हंस के करोगे क्या? तुम भी करो ना लड़ाई। मैं लड़ ही रहा हूँ, मैं तो हंसूंगा ही। ये क्या है? सो गाइस डांस हो गया थोड़ा सा, अब कॉमेडी टाइप का वीडियो भी बन गया है। अब बस सब मन कर रहा है कपड़े उतारो और सो जाओ चेंज करके मतलब।